हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्लास्टर मोर्टार रेशियो की बात करेंगे, यानी कि प्लास्टर करते समय हम किस रेशियो का मोर्टार यूज करेंगे, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। ओके दोस्तों, प्लास्टर बिल्डिंग का फिनिशिंग वर्क होता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है। प्लास्टर बिल्डिंग की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ बिल्डिंग की दीवारों को प्रोटेक्टिव रखती है, सुरक्षित रखती है। दोस्तों प्लास्टर बिल्डिंग की दीवारों को तभी सुरक्षित रह सकती है जब यह खुद स्ट्रांग हो। दोस्तों प्लास्टर स्ट्रांग तभी होगा जब इसका मोर्टार रेशियो अच्छा होगा। ओके सो दोस्तों, प्लास्टर करते समय मोर्टार रेशियो 1:5 से कम नहीं रखना है। 1:5 बोले तो 1 bag ऑफ सीमेंट, 5 bag ऑफ सैंड। ओके अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्लास्टर करते समय हमें किस रेशियो का मोर्टार यूज करना है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर यही देना है कि 1 bag ऑफ सीमेंट और 5 bag ऑफ सैंड का हमें यूज करना है, जो कि एक आदर्श प्लास्टर होता है। ओके दोस्तों, इस रेशियो का अगर आप प्लास्टर करते हैं तो आपकी जो वॉल है पूरी तरह से वाटर प्रूफ होगी, बारिश के समय किसी भी सिचुएशन में आपकी दीवारों पर सीलन नहीं आएगी। ओके सो दोस्तों, प्लास्टर के लिए सबसे बेस्ट और इकोनॉमिकल मोर्टार रेशियो 1:5 है, यानी कि 1 bag ऑफ सीमेंट और 5 bag ऑफ सैंड। 1:5 रेशियो का प्लास्टर सबसे बेस्ट प्लास्टर होगा। सो दोस्तों, उम्मीद है आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ड्राइंग, डिजाइन, एस्टीमेट, कॉस्टिंग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। ओके दोस्तों, बाय। इंजीनियरिंग टिकटॉक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ड्राइंग, डिजाइन, एस्टीमेट, कॉस्टिंग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।